एक जीमेल अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत ही ज़रूरत पड़ता है एक मोबाइल नंबर की। अगर हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं है तो क्या हम जीमेल अकाउंट नहीं खोल सकते? आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी मोबाइल नंबर के बिना। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या है वो ट्रिक। तो मैंने अपने मोबाइल पर जीमेल ऐप जो है उसको इंस्टॉल करके रखा है, उसको पहले ओपन करते हैं। ओपन करते ही आपके सामने ये दिखाएगा और नीचे आपको दिखाएगा साइन इन। आपके पास तो जीमेल अकाउंट नहीं है तो उसको क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे ऊपर पे जो आप देख रहे हैं गूगल लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। एक नोटिफिकेशन आ गया है, इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ही आपके सामने ये पेज आ जाएगा। एक साइड पे लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट और दूसरा साइड पे है नेक्स्ट। आप क्रिएट अकाउंट में जाके जो फॉर माई सेल्फ है उसको क्लिक कीजिए। करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। आप जो नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। अब आ गया है यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जो है दे दीजिए। तो अब यहाँ पर अब नेक्स्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट पेज आ गया है। यहाँ पर आप अपना जो जीमेल आईडी सोच के रखे हैं या करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे मैंने जो सोच के रखा था वो दिया है, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। शायद आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े। आप भी दो चार बार ट्राई करके कर सकते हैं और उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अब पासवर्ड दे देते हैं। यहाँ पे आ गया है सेव पासवर्ड, तो मैं कर देता हूँ। आप ये कर भी सकते हैं या इसको नॉट नाउ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे फ़ोन नंबर देने का जो ऑप्शन है ये आ गया है। यहाँ पे नीचे जाइए आप, नीचे तीन ऑप्शन आपको दिखेगा। एक है मोर ऑप्शन, स्किप एंड येस आई एम इन। तो आप यहाँ पर स्किप कर दीजिए। जैसे ही आप इसको स्किप करते हैं आपका ईमेल आईडी क्रिएट हो गया है। आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए, नीचे जाइए, नीचे जाके आप आई एग्री जो ऑप्शन है वो कर दीजिए। पूरा लोडिंग होगा, होने के बाद आपका जीमेल से रिडक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी मोबाइल नंबर या अल्टरनेटिव ईमेल आईडी के बिना आप जीमेल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ये ईमेल आईडी परमानेंट रखना चाहते हैं तो आप बाद में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। इस तरह आगे भी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।